हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे को मिला है एक कमिश्नर जो कि दो फोटो करना है A3 पेपर में और एक को करना है A4 पेपर में। आज के इस वीडियो में मैं A4 पेपर में वो दोनों फोटो को आउटलाइन करके दिखाऊंगा आप लोगों को, और कमिश्नर का कैसा प्राइस रख सकते हैं आप लोग उसके बारे में लास्ट में बात करूंगा। वैसे दोस्तों, इस दोनों फोटो का क्वालिटी बहुत ही खराब है। आप लोगों को पहले क्वालिटी दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको एक ऐप के बारे में बताऊंगा जिस ऐप से आप फोटो खराब क्वालिटी का फोटो को भी अच्छे कर सकते हैं। चलिए पहले फोटो का क्वालिटी देख लेते हैं। तो दोस्तों, आप लोग फोटो का क्वालिटी देख सकते हैं, बहुत ही खराब है। ये बहुत साल पुराना फोटो है जो कि खराब हो चुका है, और इसमें जो उइपोका होता है वो आ गया था, उसे हटा के मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये फोटो भी देख सकते हैं आप, बहुत ही खराब हाल है इसका भी। ये देखिए, बहुत ही खराब हाल है, पूरा फट गया है फोटो भी। और एक फ़ोटो है, आप लोगों को दिखाता हूँ, इसे रख देता हूँ पहले। ये है तीसरा फ़ोटो जो कि पहले वाले फ़ोटो के साथ करना होगा ड्राइंग। ये देखिए, इसका हालत थोड़ा सा अच्छा है। तो दोस्तों, मैं ये तीन फ़ोटो को पहले इस फ़ोन में कैप्चर कर लिया हूँ, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं ये दो है और एक इधर है ये वाला। इन तीनों फ़ोटो को मैं अच्छे क्वालिटी करने के लिए एक ऐप यूज़ करूँगा जो आपको दिखाता हूँ मैं। ये देख सकते हैं आप, रेमिनी नाम है इस ऐप का, आप लोग इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं। ये खराब क्वालिटी का पिक्चर को अच्छा कर देता है। ये दोनों फ़ोटो को एक साथ करना पड़ेगा, और ये दोनों फ़ोटो मैं A3 पेपर में करूँगा एक साथ। तो दोस्तों, ये है पूरा एक A3 का पेज, और इसे मैं मिडिल से फोल्ड कर लिया हूँ एक बार, ताकि दोनों पिक्चर जब मैं ड्रॉ करूँगा एकदम ठीक ठाक जगह पे ड्राइंग हो सके। चलिए ड्राइंग को शुरू करते हैं। दोस्तों, आउटलाइन करते टाइम आपको सब ड्राइंग पे ही बहुत लाइट करके आउटलाइन करना चाहिए। आउटलाइन करते वक्त आप लोगों को एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, दोनों फोटो एकदम ठीक ठाक साइज का होना चाहिए। अगर कोई फ़ोटो आप लोग छोटा ड्राइंग कर दिए और एक को बड़ा कर दिए तो अच्छा नहीं लगेगा देखने में। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं आउटलाइन कंप्लीट हो चुका है। आपको एक बार ऊपर से ठीक से दिखाता हूँ, देख सकते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट पार्ट में आउटलाइन कैसे करते हैं फ्री हैंड में, दोनों फोटो अगर अलग अलग होता है तो मिडिल से ऐसा करके आप लोगों को दिखाया है। सेकेंड पार्ट में इसे मैं स्केच करूँगा। ये देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब दोस्तों, बात करते हैं कमीशन वर्क के प्राइस के बारे में। वैसे दोस्तों, कमीशन वर्क का प्राइस सेट करने का तीन तरीका होता है। पहले तो एक तरीका है, आपको पहले देखना है कितने फिगर आपको करना है उस ड्राइंग में, और साइज देखना है आपको कितने साइज के लिए बोला है, और कलर से करना है या स्केच से करना है, तीन पॉइंट होता है। अगर फिगर ज़्यादा होगा और फोटो का साइज ड्राइंग का साइज ज़्यादा बड़ा होगा तो आपको ज़्यादा प्राइस रखना चाहिए, और आपके हिसाब से आपको प्राइस सेट करना होगा। जैसे अगर आप एक बिगिनर हो तो आप थोड़ा कम कर सकते हैं प्राइस, और आप लोग अगर ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं आप तो आप ज़्यादा भी चार्ज कर सकते हैं। आपके प्रैक्टिस के ऊपर सब डिपेंड करेगा, आप लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा कर सकते हैं। मैं भी कोशिश करता हूँ अच्छा करने के लिए, और आप लोगों को भी प्रैक्टिस करते जाना होगा। तो चलिए, आज के इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। साउंड में दोस्तों बहुत नॉइज़ आ रहा था, इसलिए मैं नीचे आ गया हूँ, ऊपर बहुत आवाज़ आ रहा है, तो दोस्तों इसके लिए सॉरी। और सेकेंड पार्ट में मैं इसे स्केच करूँगा इस ड्राइंग को। चलिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सेकेंड पार्ट को देखने के लिए, और इस वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।